सासाराम कलेक्ट्रेट परिसर से डीडीसी विजय कुमार पांडे ने हरी झंडी दिखाकर मोबाइल पशु चिकित्सा वैन को प्रखंडों के लिए रवाना किया। जिला पशुपालन पदाधिकारी राजेश कुमार चौबे की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट सासाराम में पशु चिकित्सा वैन को रवाना किया गया। रोहतास जिला पशुपालन पदाधिकारी ने बताया कि रोहतास जिले के 19 प्रखंडों के लिए अलग अलग पशुओं के इलाज हेतु सरकार ने पशु चिकित्सा वैन उपलब्ध कराई है। उप विकास आयुक्त विजय कुमार पांडे ने बताया कि 1962 पर कॉल करके पशुपालक ने पशुओं को इलाज हेतु सहायता ले सकते हैं। रोहतास जिले में पशु चिकित्सा वैन सेवाएं की शुरुआत होने से पशुपालक को परेशानी से राहत मिलेगी, जिससे पशुपालकों में खुशी देखी जा सकती है। ये जो है पशु चिकित्सा जो है पशु चिकित्सकों के पशुपालकों के द्वार पर जो है चिकित्सा कराने की एक मुहिम है भारत सरकार की और बिहार सरकार की दोनों की सहभागिता से। 1962 टोल फ्री नंबर जो है जारी किया गया है, एक कॉल सेंटर बनाया गया है और इस कॉल सेंटर के माध्यम से आपका जो आप कॉल करेंगे 1962 पे तो वो रजिस्टर होगा और उसकी जो है उसके आलोक में अग्रतर कार्रवाई करते हुए आपको डोर टू डोर पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। यह पशु चिकित्सा सेवा सवेरे 9 बजे से शाम के 5 बजे तक उपलब्ध होगी। राजपत्रित अवकाश में भी जो चिन्हित राजपत्रित अवकाश है उसमें जो है ये सुविधा जो है उपलब्ध नहीं। रोहतास में फिलहाल अभी जो निर्देश हम लोगों को प्राप्त है, रोहतास में कितने वाहन मिले हैं सर? इसमें ये पूरे प्रखंडों के लिए जी यहाँ पर 19 वाहन उपलब्ध कराए जाने हैं। फिलहाल अभी 9 वाहन हम लोगों के पास उपलब्ध हुए हैं, उनको हम लोग अपने ब्लॉक में भेज रहे हैं चिन्हित ब्लॉक में। ये सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ये पूरी तरीके से पशुपालन पर केंद्रित है और सरकार इन गाड़ियों को सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक के लिए इनको रन करने का निर्देश दिया है। जो वर्किंग डे रहेगा आपका और ये अभियान लगातार चलता ही रहेगा और उम्मीद है कि इससे जो हमारे पशुपालक हैं और जो हमारे पशुओं की जीवन रक्षा में काफी काम आएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।